दारा सिंह एक ऐसा नाम है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है. He was probably the first man of Indian cinema who had a wrestler's body. कहा जाता है कि वो अपने हाथों से एक हाथी को भी अपनी तरफ खींच लेते थे. वो इंसान आज काफी बीमार हो गए हैं. Admitted in hospital and his condition is quite serious. उनके बेटे विंदु का तो ये कहना है कि उनके पिता अब जीना ही नहीं चाहते. देखिए, डॉक्टर्स कोई जादूगर तो है नहीं, और डॉक्टर्स को भी पता है कि यानी एक पेशेंट आया है जिसके नियरली लाइफ निकल चुकी थी. यानी अब राम जी अगर बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, और अगर हनुमान जी जाना ही नहीं चाहते तो पता नहीं फिर रुक भी सकते हैं. तो ये ऐसा ही हाल है. मुझे लगता है कि हर इंसान का एक टाइम होता है और वो टाइम में जाना पड़ता है. डैडी को लग रहा है कि उनका टाइम आ गया जाने का, लेकिन हम लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं उनके लिए. तो अगर वो हमारे खिलाफ़ लड़ रहे हैं तो आपको पता है एंड में कौन जीते हैं. और अगर वो जीना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें कोई लेके भी नहीं जा सकता. तो आई थिंक उनके ही ऊपर है, उनकी बॉडी के ऊपर है. वो जैसा डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा. बस हम लोग अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर. He even thanked everyone for their support and prayers. मुझे दुख हो रहा है कि आप सब लोग यहाँ हैं. प्लीज थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने यानी डैड के लिए इतना प्रे कर रहे हैं सब लोग, थैंक यू. हम तो यही दुआ करते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रिकवर्स क्विकली. Keep watching in.com.